सो हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर केटेबल। जैसा कि हम लोगों ने आपके सामने कमिटमेंट किया था कि वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू सेशन फॉर क्लास 11th हिस्ट्री, तो हियर इज द फर्स्ट वीडियो ऑन क्लास 11th हिस्ट्री सिलेबस। बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड भी हैं और जो चैप्टर्स आने वाले हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रो भी आपको दे दूंगा कि वॉट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर और कैसे हम लोग और हमारी टीम जो है उस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगी आपके लिए। सो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एंड वेयर आई विल बी शोइंग यू द न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। तो हियर इज द फर्स्ट वीडियो ऑन क्लास 11th हिस्ट्री सिलेबस। बहुत सारे चैप्टर्स डिलीटेड भी हैं और जो चैप्टर्स आने वाले हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रो भी आपको दे दूंगा कि वॉट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर और कैसे हम लोग और हमारी टीम जो है उस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगी आपके लिए। सो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एंड वेयर आई विल बी शोइंग यू द न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री। सबसे पहले जो क्लास 11th की हिस्ट्री है, दैट इज द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें आपको इंडिया के बारे में चीज़ें नहीं पढ़नी है, ग्लोब के बारे में चीज़ें पढ़नी है। तो ये जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें पहले एक चैप्टर होता था फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब ह्यूमन लाइफ ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो वो चैप्टर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट सीबीएसई वालों ने डिलीट कर दिया एंड वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था समझने के लिए, तो उनको लगा कि शायद इसे डिलीट करना ही बेहतर होगा। बट अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर स्टेट बोर्ड में वो पूछा जाता है तो। और वैसे भी वो ना एक सब्जेक्ट आता आपका एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए वो चैप्टर बहुत अहम हो जाता है। तो अगर आप कहोगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। नाउ इस सिलेबस की जो शुरुआत होती है, दैट इज विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। जैसे आप क्लास 12th में जब जाओगे तो पहला चैप्टर आप हड़प्पा का पढ़ोगे, तो ऐसे ही क्लास 11th में पहला चैप्टर आप पढ़ोगे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मेसोपोटामिया के बारे में। दो शहर हैं आपके, उरुक और उनके बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। अलग अलग चीज़ें हैं, उनके सोशल लाइफ को देखेंगे, क्या खाते थे, कहाँ कहाँ पे उनके सेटलमेंट से, अलग अलग जो सिविलाइजेशन आई थी, चाहे असीरियन हो, बेबीलोनियन हो, अकार्डियन हो, इन सबको पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं फिर रोमन एम्पायर की शुरुआत से, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। मैंने इन सब पे वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, बट उस टाइम में चूंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, ठीक है, एडिटिंग की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने सोचा कि इसको नए सिरे से बनाते हैं, जिसमें मैं पूरी अपनी जान डालूंगा, हमारी पूरी टीम अपनी जान डालेगी एंड वी विल मेक यू फील कि आपने जब ह्यूमैनिटीज लिया है तो एक एक्टिव लर्निंग भी हो सके। यू शुड फील प्राउड ऑफ टेकिंग ह्यूमैनिटीज। ओके, सो सेकेंड चैप्टर इज अबाउट रोमन एम्पायर एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको मैं उस जब मैंने पहला वन शॉट शूट किया था इसका, तब भी कोशिश की थी कि पूरी तरीके से मैप्स के जरिए समझाने की कोशिश करूँ, और इसमें भी मैं कोशिश करूँगा। एंड आप यकीन रखें, आपने अगर वो वन शॉट देखे हैं तो उनसे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होने वाले हैं नए वाले वन शॉट्स, क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुधरी है विद द टाइम एंड हमारी एडिटिंग टीम भी बहुत इंप्रूव कर गई है। तो सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट रोमन एम्पायर, 3 कॉन्टिनेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने एशिया का भी पार्ट रूल किया हुआ था, वेस्ट एशिया, एशिया माइनर का जो पोर्शन है वो, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप का तो अधिकतम जो पार्ट था टाइम इन्हीं के द्वारा रूल था। फिर एक चैप्टर आता है आपका नोवेडिक एम्पायर। देखो, इस दोनों चैप्टर के बीच में एक चैप्टर था सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का, इसको जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से डिलीट कर दिया गया है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे वन शॉट हैं ऑलरेडी, मैंने इस चैप्टर के ऊपर एक वन शॉट बनाई है, आप उसको देखो, क्योंकि वो जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाला चैप्टर है ना, ये बहुत डाइवर्स चैप्टर है। जैसे एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, पूरे रोमन एम्पायर और वो ये 3 कंटिनेंट, चाहे आप एशिया माइनर की बात कर लो, नॉर्थ अफ्रीका की बात कर लो और आपके सेंट्रल यूरोप की बात कर लो, इन तीनों की एक वृहद हिस्ट्री को दिखाता है। ऐसे ही इस्लामिक लैंड्स वाला चैप्टर भी इतना डाइवर्स है, उसमें आप गोल्डन एज के बारे में पढ़ोगे, उसमें आप कैलिफेट्स के बारे में पढ़ोगे, इस्लाम के राइज के बारे में पढ़ोगे, मक्का की शुरू में टोपोग्राफी कैसी थी, डेमोग्राफी कैसी थी, लोग कैसे थे, ठीक है, फिर कैसे ये एक्सपैंड होता, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, और लास्ट में फिलोसफर्स उमर खयाम के बारे में पढ़ना है, इब्न मूसा के बारे में। तो उस चैप्टर को ना बिल्कुल ही पढ़ो, मैं रिकमेंड करूंगा, सिलेबस में नहीं है बट फिर भी पढ़ो, हमने वन शॉट बनाया हुआ। तो अगर आप एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट के बाद आते हैं ना नोमैडिक एम्पायर, ये मंगोलों वाला चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर पहले कोरोना के टाइम में जो डिलीटेड चैप्टर्स से सिलेबस चूंकि डिलीट कर दिया गया था तो उसमें भी डिलीटेड था, तो मैंने तो वन शॉट इसके बनाए नहीं थे। नए सिरे से मैं अब इनके इसके वन शॉट्स को तैयार करूंगा। तो ये एक मेरे लिए भी नया चैप्टर होगा, लेकिन ये मंगोलों के ऊपर है प्राइमरीली, और मंगोलों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में और ग्लोबल हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री की तो बात ही छोड़ दे, ग्लोब में ही कभी भी अगर कोई एम्पायर बना था तो वो इतना बड़ा नहीं था जितना मंगोलों का था। मतलब मंगोल्स हैड द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, ठीक है, मेडिटेरेनियन से लेकर साउथ चाइना सी तक इनका एम्पायर जो है वो फैला हुआ था, और इन्फ्लुएंस, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो उससे भी ज़्यादा, कितने तो ऐसे किंगडम्स और एम्पायर्स थे जो इनको महसूल अदा करते थे, टैक्सेस देते थे अपने एग्जिस्टेंस के लिए कि हमें रहने दो, हमें जिंदा छोड़ दो, बदले में हमसे पैसा ले लो, ठीक है, तो वो उनके रहम करम पे जी रहे थे। तो नोमैडिक एम्पायर वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, खास करके 13th और 14th सेंचुरी में जिस हिसाब से इन्होंने कहर बरपाया था पूरे सेंट्रल एशिया पे, अनातोलिया की रीजन में, लगभग इंडिया तक भी पहुंच गए थे, ठीक है, हमारे पड़ोसी थे बहुत दिनों तक, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी इंडिया में उस टाइम तक बहुत
जो कॉम्प्लिकेटेड हमारी पॉलिटिक्स थे, अगर एक भी गड़बड़ी होती तो मंगोलों ने हमारे यहाँ भी आक्रमण कर देना था। उसके बाद द थ्री ऑर्डर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है ना क्योंकि बहुत सारी जो आज की हॉरर मूवियाँ हैं, ठीक है, खासकर कंज्यूरिंग यूनिवर्स की जो सीरीज है उसमें एक चैप्टर है आपका द नन करके। तो आप कैथेड्रल्स के सिस्टम को समझोगे, आप चर्च के सिस्टम को समझोगे, बिशॉप क्या होता है, फादर क्या होता है, पादरी क्या होता है, कैसे पोप इतनी बड़ी अथॉरिटी बन गया, ठीक है। और इसमें क्रूशेड के बारे में भी मैं बताऊंगा। क्रूशेड के बारे में तो एक्चुअली आप रोमन एम्पायर के बारे में उस चैप्टर में भी पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट आपके सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाले चैप्टर में है। तो ये ना कनेक्टेड है, पोप की अथॉरिटी से क्रूशेड्स कनेक्टेड है, फिर इसी से आपके इस्लामिक अम्पायर्स का उदय कनेक्टेड है क्योंकि सलाउद्दीन अयूबी के साथ लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। पोप्स ने जब राजाओं की अथॉरिटीज को सरपास कर दिया तो जो डिसीजंस पोप लेते थे वही सर्वमान्य होते थे, एंड दैट हैड अ वेरी डार्क कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो वो जो डार्क एज आया था ना, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है द थ्री ऑर्डर, जिस टाइम में हायरार्की बन गई थी। सबसे ऊपर आते थे आपके राजा, फिर जो नोबेल्स थे वो आते थे, फिर सबसे नीचे स्लेव्स आते थे, और इन सब में सबसे ऊपर आते थे पादरी। उनको तो आप इस ऑर्डर में रखे ही ना, ठीक है। तो अब जब यूरोप डार्क एज में था ना, तो यूरोप में अब रेनेसा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पुनर्जागरण। इसको हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन वाले में, कि जो यूरोप अभी तक ऐसे ऐसे मिथ्स पे बिलीव करता था बिना तर्क लगाए, वो अचानक से तर्क कैसे लगाना शुरू करता है। और उस चैप्टर को मैंने जब शूट किया था जनवरी के आसपास, मैंने वो वीडियो रिलीज की थी, उसमें भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको मैं बता सकूं कि जो हमारा अभी का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, जिस हिसाब से हमारी स्कूलिंग है, वो भी रेनेसा से ही निकली है, ठीक है। द मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम और जो अभी हमारे ग्रेडिंग सिस्टम होती है, जिस हिसाब से लोगों की तरबियत होती है, अपब्रिंगिंग होती है, दैट तो उसमें रेनेसा का बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, बहुत प्रगाढ़ इम्पैक्ट है रेनेसा का। तो इसको हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद एक चैप्टर था आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, आप उसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई खास उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि अगले जो चैप्टर्स हैं उनसे उतना कनेक्टेड है नहीं। बट सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स मैंने इसलिए कहा है ना क्योंकि आप थ्री ऑर्डर पढ़ोगे और रोमन एम्पायर पढ़ोगे तो दोनों के बीच ना वो एक लिंकेज का काम करता है। आप क्रूशेड के बारे में जानोगे, क्यों दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे इसके बारे में जानोगे। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि एक टाइम पे इस्लामिक कैलिफेट इतना बड़ा हो गया था कि स्पेन पोर्चुगल जो आप देखते हो ना वो भी इस्लामिक कैलिफेट के अंदर ही आते थे। नॉर्थ अफ्रीका पूरा का पूरा और स्पेन पोर्चुगल वो भी इस्लामिक रूल के अंदर था। तो आप इस लेवल से सोच सकते हो कि कितना बड़ा उन्होंने एक्सपेंशन किया। उसके बाद तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो है नहीं, बट मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने वन शॉट तैयार किए हैं तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, दैट इज अबाउट कॉलोनाइजेशन। जब ये उपनिवेशीकरण शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज ने अननोन लैंड्स को खोजना शुरू किया और वहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे थे ना उनके ऊपर जुल्म और ज़ाती करनी शुरू की, ठीक है। तो इसमें तो एक और चैप्टर था इसके बाद कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर करके, तो वो तो आपके सामने दिया नहीं, जिसमें आपके साउथ और नॉर्थ अमेरिका के जो कल्चर थे जैसे एस्टेक हो गया, पेरू हो गया, इसके बारे में आप जानते हैं, इंका हो गया, ठीक है, तो वो तो डिलीट कर दिया है। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल भी एक अच्छा जरिया हो सकता है जिसमें आप जो खास करके नॉर्थ अमेरिका में जो, जिन्हें हम लोग कहते हैं रेड इंडियंस, जब कोलंबस जाते हैं तो उन्होंने जो वहाँ की आबादी देखी एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं तो इंडिया जाऊँगा, तो उनको वो अजीब टाइप के लोग देखने को मिले एंड उन्हें लगा कि वो इंडियन ही है, तो उन्होंने नाम दे दिया रेड इंडिया। तो वहाँ पे कैसे ये जो फ्रांसीसी है और ब्रिटिशर्स वो जाते हैं एंड फिर कॉलोनाइज करके उन पूरी आबादी को ही ख़त्म कर देते हैं। द नेटिव ट्राइब हैज़ ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुकी है। यही सेम केस आपके ऑस्ट्रेलिया में दोहराए जाते हैं और जो पोलिनेशिया का इलाका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पैसिफिक ओशन में, वहाँ पे भी जो नेटिव ट्राइब्स हैं बहुत जुल्म और ज़्यादती होती है। तो ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, इसको भी मैं फिर से रिक्रिएट करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। फिर भी जो भी चीज़ें छूट गई हैं या ऐड करनी है मैं उसको करके कंप्लीट वन शॉट तैयार करूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको एक वेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखनी है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 25 मिनट में, मैं 30 मिनट में आपको पूरे चैप्टर को बढ़िया से एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। फॉर दैट यू विल हैव टू डेडिकेट 1.5 hours to 2 hours, इतना तो आपको कम से कम देना पड़ेगा। दैट इज वी डिमांडिंग फ्रॉम यू। हम लोग तो अपने तरफ से कोशिश करेंगे ही, आपके पेशेंस की भी दरकार है, नहीं तो आप एक अच्छे ह्यूमैनिस्ट नहीं बन पाओगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। इसमें साउथ एशिया की चीज़ें हैं, ठीक है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की चीज़ें हैं। इसके ऊपर भी जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने वन शॉट ये जो है वो नहीं बनाया था और बहुत सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी थी, तो सो सॉरी फॉर दैट। वो तो क्लास 12th में आ चुके, बट ये मैं क्लास 11th के बच्चों के साथ अब नहीं होने दूंगा। आई विल क्रिएट अ होल प्लेलिस्ट ताकि उनको किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत ना पड़े। नोट्स भी बाकायदा दिए जाएंगे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा डीपीपी के तौर पे, ताकि आपने चैप्टर खत्म किया। एनसीईआरटी के तो सवाल है ही है, एक डीपीपी के तौर पे 10 क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर से, जिसमें आपने अगर चैप्टर खत्म किया तो आपको एक कॉल टू एक्शन भी मिले कि ओके अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने कितना पढ़ा हुआ है। तो इससे आपको समझ भी आएगा चीज़ों को, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, एंड योर राइटिंग स्किल्स विल आल्सो इंप्रूव विद द टाइम। सो दैट्स ऑल इन दिस सिलेबस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू फाइंड द कॉन्टेंट वर्थ शेयरिंग, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कमिटमेंट की है
एंड वी विल मेक श्योर, हमारी टीम ये मेक श्योर करेगी कि हम लोग उसको टाइम पे और इफेक्टिवली डिलीवर कर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड इसके बाद हम लोग जैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ऐसे ही हम लोग अनाउंसमेंट करके बाकायदा उसका जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर देंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर सब्जेक्ट जिसको आप चाहते हो कि ब्लीड एनर्ट की टीम उसको कवर करे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दे सकते हो कि सर हिस्ट्री के अलावा ये सब्जेक्ट आप करा दो, ये करा दो, अब ये करा दो, आप वन शॉट्स डाल लो, आप ये भी कर दो। सो आपके फीडबैक्स बहुत अहम है, क्लास 11th के बच्चों के फीडबैक्स आर बेसिकली फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देते ही नहीं है, वो तो पढ़ना ही लेट से शुरू करते हैं। सो योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। प्राउड टू बी अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। थैंक यू।